हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे एक फिर न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में कुछ सेटअप बॉक्स के अपडेट के बारे में आप लोगों को बताया था, तो आज मैं कुछ न्यू अपडेट लेके आ गया हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, जियो फाइबर के सेटअप बॉक्स में पहले बहुत सारे टीवी में चलाने में प्रॉब्लम आती थी, जो कि अब जियो ने पूरे सेटअप बॉक्स को पूरा आसान कर दिया। जैसे आप टाटा स्काई, डिश टीवी, फ्री डिश का जो रिमोट यूज करते हैं आप, डाउन लेफ्ट राइट वाला जो बटन, ये सब छोड़कर जो चैनल का बटन होता है, जैसे कि आपका चैनल का बटन ये हो गया, ऊपर नीचे दाएं बाएं करने वाला नहीं, जो वॉल्यूम के बगल में चैनल का जो बटन रहता है अपोजिट में, ऊपर नीचे करने वाला, तो अब जियो की भी सेटअप बॉक्स में यह फंक्शन आपका चालू हो गया है। तो इसे हम कैसे वर्क करता है, जिसका अगर नहीं कर रहा, जिसका अगर ये फंक्शन नहीं आ रहा, पिछले वीडियो वाला जो कमेंट था, जो पिछले वीडियो मैंने डाला था, उसमें भी कमेंट आ रहा था कि मेरा शो नहीं कर रहा, मेरा पहले ही जैसा शो कर रहा, तो उन लोगों के लिए भी यह वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। कि आज इसी वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जिनका नहीं शो कर रहा उनका कैसे आएगा और कैसे उसे वो ओपन करके यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, चैनल देखने के लिए हम लोग को जाना पड़ता है जियो टीवी प्लस पे। तो जियो टीवी प्लस पे जाने के बाद हम लोग जाते हैं लाइव टीवी पे, तो वो लाइव टीवी अब खत्म करके डिजिटल टीवी आ गया। तो डिजिटल टीवी जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो डिजिटल टीवी के बाद क्या होता है कि हम लोग जाते हैं यहाँ पे जो भी चैनल्स आप देख रहे हैं, जैसे ये हो गया म्यूजिक का चैनल्स, म्यूजिक का चैनल्स देख रहे हैं। तो पहले क्या होता था, पहले होता था बैक जाते थे, बैक जाने के बाद फिर दूसरा चैनल पे जाते थे, फिर उस पर ओके करते थे, फिर चैनल ओपन होता था, फिर कुछ देखना पड़ता था तो फिर बैक जाते थे, फिर ओके करते थे, फिर दूसरे चैनल पे जाते थे। अब यह झंझट से पूरा मुक्त हो चुके हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, अब जियो ने जो है, टाटा स्काई, एयरटेल, जो भी अदर कंपनी का जो भी होता है, डिश टीवी का या फ्री डिश होता है, जैसे हम लोग चैनल चेंज करते हैं ना, ये बटन दाब के अप डाउन वाला, आप इसमें भी चैनल को चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं, मस्त ये चैनल का आपका सेटिंग हो गया है। चैनल का बटन प्रेस कीजिए और चैनल चेंज कीजिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना आगे जाना पड़ेगा, ना पीछे जाना पड़ेगा, ना ओके करना पड़ेगा, ना बैक करना पड़ेगा। तो पहले ये करना पड़ता था, जिसके कारण ही बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते थे कि इतना प्रोसेस से हम चैनल देखेंगे। तो अब ये प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो गया। तो देख रहे, आपको जो चैनल देखना है आप आराम से चैनल बटन प्रेस कीजिए और आप चैनल यूज कीजिए। देख रहे, ये सारा चैनल से आपका चैनल बटन प्रेस करते जाइए और चैनल देखते जाइए। या तो आप एरो बटन को भी नीचे यूज करके आप इधर से प्रेस करके आप कर सकते हैं, या तो आप चैनल नंबर से भी प्रेस कर सकते हैं। चैनल नंबर अगर हम कुछ दाबते हैं, जैसे हम दाबते हैं 117, मेरे में सब्सक्रिप्शन होगा तो ये चलेगा चैनल, ये चैनल नंबर नहीं है, मेरे में बहुत सारा ऐसा चैनल है जो नहीं है, जैसे हॉट स्टार का जी का चैनल नहीं है, क्योंकि मेरा 298 वाला भी ये प्लान लगा हुआ है, तो इसमें हमारा ये नहीं है अभी, इसलिए स्टार जी का चैनल नहीं आ रहा। ठीक है, तो बाकी अगर आप बात करें तो जो चैनल नंबर आपका जो अवेलेबल है, जैसे ये हमारा हो गया 820, तो अगर हम 820 डायरेक्ट प्रेस करते हैं तो हमारा डायरेक्ट ये चैनल ओपन हो जाएगा। तो देख रहे, यहाँ हमारा 820 में जो चैनल था वो चैनल हमारा ओपन हो गया। बस इसी तरह क्या है कि जियो ने कुछ कुछ अपडेट कर दी है, तो आराम से आप क्या है वॉल्यूम प्लस माइनस आराम से कर सकते हैं। अब क्या होता था, पहले सिर्फ ये बटन का यूज होता था, ये बटन को कोई छूते भी नहीं थे, क्या है कि ये काम ही नहीं करता था कुछ भी, इसमें प्रेस करने के बाद कोई असर नहीं होता था सेटअप बॉक्स में। अब आराम से क्या है कि अब नया वाला जो रिमोट आता है उसमें जियो टीवी प्लस का बटन है, जियो टीवी प्लस का बटन प्रेस किए और डायरेक्ट यहां से आप चैनल का सिस्टम ऑपरेट करने लगे, अप डाउन अप डाउन लेफ्ट राइट करके। अब जैसे कोई भी चैनल आप देख रहे हैं, कोई भी चैनल देखते देखते आपको नहीं मन किया, दूसरा चैनल फटाक से चेंज कर सकते हैं। देखिए, ये भी है कि अगर आपका न्यूज देख रहे हैं तो स्क्रॉल अगर करते हैं इससे, तो आपका न्यूज का चैनल ही आगे बढ़ रहा, देखिए डायरेक्ट ये पूरा न्यूज का चैनल आएगा। अगर आप कोई मूवीज का चैनल में आप देख रहे हैं तो आप इसे चैनल वाला प्रेस कीजिएगा तो आगे जो आएगा उसका मूवीज का, ऐसा नहीं होगा कि आपका एक न्यूज आ रहा है तो दूसरा में प्रेस कीजिएगा तो म्यूजिक आ जाएगा, म्यूजिक के बाद स्पोर्ट्स आ जाएगा, ऐसा नहीं है, सीक्वेंस में आता है जितना भी चैनल्स है हम देख रहे हैं। तो ये पूरा न्यूज का ही चैनल आ रहा है आपका, सब जितना भी न्यूज है देख रहे हैं, लाइन से सारा आपका न्यूज चैनल आ रहा है। अगर आप कोई मूवीज के चैनल पर जाके इसको प्रेस करते हैं तो जितना भी आगे में आएगा आपका सारा मूवीज का चैनल आएगा। तो इसमें देख रहे, बहुत काफी आसान हो चुका है, नॉर्मल जो यूज करते हैं सेटअप बॉक्स सेम उसी का तरह प्रोसेस हो गया है। अब क्या है कि आप चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इसका रिचार्ज भी आपको पता ही है 200 रुपया पर मंथ है। 200 रुपया पर मंथ में आपको टीवी के सारे चैनल्स भी मिल जाते हैं और 14 OTT आपका सब्सक्रिप्शन भी मिल जाती है, जो कि काफी सस्ता है।
और फ्रेंड्स पिछले वीडियो की अगर बात करें जो जो लोग कमेंट कर रहे थे उनके लिए ये खास कर ये वीडियो है। तो क्या है कि बहुत सारे लोगों का जो पहले चलता था, जो पहले जियो टीवी प्लस पे जाते थे, जियो टीवी प्लस भी जो कि यहाँ नहीं आता था, आपका फर्स्ट में यहाँ लाइव टीवी आता था, उसके बाद जियो टीवी प्लस आता था, उनका अभी भी वही सिस्टम शो कर रहा है, ऐसा नहीं शो कर रहा है। आप जियो टीवी पे जा रहे हैं, जियो टीवी पे जाने के बाद आपका लाइव टीवी यहाँ पे शो कर रहा है या होम शो कर रहा है, इस तरह का शो नहीं कर रहा है, डिजिटल टीवी, कैचअप टीवी। तो उनके लिए भी सोल्यूशन है इस वीडियो में, तो वो लोग कैसे अपने सेटअप बॉक्स को अपडेट करेंगे और ये फंक्शन को चालू करेंगे। तो इसके लिए अगर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेटअप बॉक्स को अपडेट करना पड़ेगा। अगर अपडेट अपने आप नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसे रीसेट कर देना पड़ेगा। आप लोग को पता है इसे रीसेट करने के लिए कहां जाते हैं, सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद हम लोग को जाना है क्या, अकाउंट स्टोरेज एंड रीसेट। अकाउंट एंड स्टोरेज एंड रीसेट पे जाइएगा, फैक्ट्री डाटा रीसेट है, यहाँ फैक्ट्री डाटा रीसेट कर दीजिएगा। ओके किए, यहाँ पे आपका फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद क्या होगा कि आपका सेटअप बॉक्स पूरा रीसेट हो जाएगा, जैसे पहले न्यू में रहता है आपका सेटअप बॉक्स वैसा हो जाएगा, पूरा इसका डाटा आपका क्लियर हो जाएगा, सारा एप्लीकेशन हट जाएगा। तो इसे हम रीसेट करते हैं, पहले रीसेट करके आपको दिखाते हैं कि जिनका आ रहा है खुद से वो तो ठीक है, जिनका नहीं आ रहा है वो एक बार अपना सेटअप बॉक्स को रीसेट करके अपडेट कर दें, सारा एप्लीकेशन फिर से डाउनलोड कर दें ऐप स्टोर में जाकर। वाईफाई या लैंस दोनों में से कनेक्ट रहना चाहिए नेट। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं, यह रीसेट हो रहा है सेटअप बॉक्स। कुछ देर के लिए इसका पावर ऑफ नहीं करना है, जब तक यह सेटअप बॉक्स ऑन नहीं हो जाता है जैसे पहले था। तो देख रहे हैं यहां लिखा हुआ है इरेजिंग डाटा, अनप्लग द पावर, ठीक है, उसको होने देते हैं, 5 मिनट का समय लगेगा। तो ये देख रहे हैं हमारा हो रहा है ये सेटअप बॉक्स अपडेट, लाइट है इसका जो ब्लिंक करेगा कुछ देर के लिए, ग्रीन लाइट जो है सेटअप बॉक्स का। यहां हमारा जियो का लोगो आ गया है, एक बार रीसेट कर देना ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है बहुत सारा क्लियर डेटा, क्लियर कैच वाला फाइल्स जमा हो जाता है। तो क्या है कि एक बार रीसेट होने के बाद क्या सेटअप बॉक्स फाइन चलता है। ये हमारा डिजिटल लोगो आ गया जियो का। तो फ्रेंड देख रहे हैं हमारा सेटअप बॉक्स ये ऑन हो चुका है। अब क्या है कि रिमोट कनेक्ट करना, रिमोट कनेक्ट करने के लिए हमें कोई भी बटन यानी कि 10 सेकेंड तक प्रेस करके रखना है सेटअप बॉक्स के सामने। कनेक्ट करने के बाद ओके ओके प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ HDMI या मोटो रख देंगे, जो मेरा टीवी का रहेगा क्वालिटी वो अपने आप ले लेगा, ठीक है। इसको करने के बाद हम करेंगे यहाँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद क्या है कि यहाँ हमारा वाईफाई का पासवर्ड मांग रहा है, वाईफाई का पासवर्ड डाल लेते हैं हम अपने फाइबर पे, जो कि मेरा नाम है। तो यहाँ हम पासवर्ड डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हम पासवर्ड डाल लिए अपना, ओके करते हैं। यह हमारा वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, और वाईफाई कनेक्ट होने के बाद यह हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। कुछ देर का समय लगेगा, 5 से 10 मिनट का, यह आपका पूरा डिटेल आपका ले लेगा, ये पूरा कौन सा डिटेल आपका, क्या नाम से कनेक्शन लिया हुआ, यह पूरा डिटेल सबमिट हो जाएगा, उसके बाद यह सेटअप बॉक्स ऑन हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ हमारा कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उसको हम अलाउ करेंगे पहले। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। एक्सेप्ट किए, सेटअप इज कंप्लीट हो गया हमारा। क्या है, सेटअप कंप्लीट हो गया आपका, या तो आपको एप्लीकेशन खुद से डाउनलोड करना पड़ेगा जो आपका पहले से था, जियो टीवी, जियो सिनेमा, ये सबका एप्लीकेशन या तो आपको खुद से डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो जो टीवी है उसको 10 से 15 मिनट ऑन छोड़ दीजिएगा सेटअप बॉक्स को नेट से कनेक्ट करके। तो क्या ऑटोमेटिक जितना भी एप्लीकेशन आपका था वो सारा अपडेट होकर यहाँ पे सामने में आ जाएगा, जैसे आपका न्यू में अगर अभी आ रहा है डिजिटल टीवी, कैचअप टीवी, वो सारा सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या आपका जियो स्टोर है यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट आप टीवी को ऑन भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अकाउंट आपका फैच करेगा, आपका डिटेल आ जाएगा पूरा ऐप स्टोर का, और आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
इसमें कुछ टाइम लगेगा आपका, ठीक है, अपडेट होने के बाद 10 से 15 मिनट इसे छोड़ दीजिएगा आराम से, और उसके बाद यहाँ से सारा एप्लीकेशन आपका आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर आपको जल्दी है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो आपको काम लाइक है वो डाउनलोड कीजिए, जो काम नहीं है उसे इंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि 4 GB का इसमें मेमोरी कार्ड होता है, इंटरनल मेमोरी होता है। क्या होता है कि जब फुल हो जाने के बाद रिमोट उमोट थोड़ा सा फंसने लगता है क्या, तो जो काम आपका है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत जियो गेम को पूरा डाउनलोड करके 10-20 गेम को छोड़ देते हैं, खेलते नहीं है लेकिन पूरा डाउनलोड कर देते हैं बच्चे लोग, तो क्या होता है कि यहाँ पर फुल का मैसेज आ जाता है। तो आपका काम लाइक जितना भी है वो डाउनलोड कीजिए, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन क्या है कि गेम खेलकर और इसे अनइंस्टॉल मार दें, क्योंकि 10-20 गेम डाउनलोड कर देते हैं पूरा सेट टॉप बॉक्स का इंटरनल फुल हो जाता है, जिसके कारण हैंग करने लगता है ये। तो इससे अच्छा है कि आप गेम खेलिए, उसे अनइंस्टॉल मार दीजिए, जब खेलना अनलिमिटेड डेटा आराम से आप यूज कर सकते हैं। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि हमारा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो 100 और बाकी है सब्सक्राइबर, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।